सबसे पहले आप सभी के हेलो। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाइए, ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला घंटा ऑल पे रखिएगा। इसी तरह मेरा कुछ जानकारी मिलेगा जॉब से रिलेटेड, टूरिस्ट का जानकारी और साथ में करंट अफेयर्स भी मंथली झारखंड का, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन का 360p में रखें, तभी साफ साफ दिखेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं साहेबगंज का है, जिला समाज कल्याण शाखा, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए बात करते हैं नीचे अब पद से डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो पद का नाम है प्रांश प्रांशदाता, ठीक है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर रसोइया, तीनों के लिए एक एक सीट है और सभी जनरल का है, मतलब अनारक्षित। आप सभी सबको भर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति वाला भी और अत्यंत पिछड़ा वाला भी, ठीक है। लेकिन सब ये अनारक्षित में भरेंगे, जनरल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नीचे अब क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये सिर्फ साहेबगंज जिला के स्थानीय महिला निवासियों से बाह्य स्रोत से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता एवं एन शर्त नियम प्रकार है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये साहेबगंज का, और ये साहेबगंज जिला के लिए सिर्फ है, दूसरे जिला के लिए नहीं है, झारखंड का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप देख रहे भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले दिन में हो सके दूसरा जॉब के बारे में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं शिक्षक क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर प्रांशदाता में आपको ग्रेजुएशन किस चीज़ में, तो सामाजिक कार्य में, मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, ठीक है, स्नातकोत्तर, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है तो ये मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका मंथली फ़ी कितना है, 11,193। अब चलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चाहिए स्नातक, कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी, ठीक है, और उसमें 30 वर्ड पर मिनट में, ठीक है, 30 शब्द लिखना है पर मिनट में, और वही अंग्रेजी में 30 शब्द लिखना है पर मिनट में, ठीक है। तो इसका सैलरी देख सकते हैं 9,768 रुपया है। फिर रसोइया के लिए भी होना है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैट्रिक, इसका सैलरी है मतलब मंथ ये मासिक तो ये 7,016 रुपया। तो देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो चलिए नीचे देखते हैं, अगर आपको कुछ लगे कि पढ़ लेना चाहिए तो आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 1/1/2000 के आधार पर, 1/1/2019 के आधार पर, 21 साल, ठीक है, सब न्यूनतम मतलब कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 38 होना चाहिए इसका, पिछड़ा का, अनारक्षित का, जनरल ओबीसी, ठीक है, और एसटीएससी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में आते हैं उसका 21 साल कम से कम और 40 साल अधिक, और दिव्यांग के लिए 43 जनरल ओबीसी में और एसटीएससी में 45, ठीक है, 43 आपका जनरल में और ओबीसी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नीचे आप। तो देख सकते हैं काम में लिखा है कि आपका 1 साल का होगा, ठीक है, दैनिक पारिश्रमिक 1 वर्ष हेतु अनुमान होगा आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो देख सकते हैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर दे रहा हूँ, आपको लगे रोक के देखना तो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा, ठीक है।
तो देख सकते हैं आप, चलते हैं नियुक्त की प्रक्रिया। तो देख सकते हैं दैनिक पारिश्रमिक आधारित नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा आम मान्य होगा, ठीक है। अगर आप एक से अधिक, तीसरा नंबर पर देख सकते हैं, एक से अधिक पद अप्लाई कर रहे हैं मतलब आवेदित कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं, इच्छुक उम्मीदवार ये संलग्न विविध आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जितना भी सर्टिफिकेट है आपका पढ़ा लिखा होगा ग्रेजुएशन तक, और एक्सपीरियंस ये और कंप्यूटर वगैरह का वो देना है, ठीक है। पत्र, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और साहिबगंज जिला का जाति प्रमाण पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, देख सकते हैं सब कुछ साफ साफ लिखा है, सब कुछ देना है आपको लिफाफा भर के, ठीक है। अगर आप आरक्षण का लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं नियोजन हेतु प्रमाण पत्र की छायाप्रति ये मतलब देना जरूरी है, ठीक है, जेरोक्स अगर है तो, अन्यथा नहीं देने पे अनारक्षित वर्ग में माना जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर गांव में तो विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण बात, देख सकते हैं गांव में विज्ञापन के साथ प्रकाशित विविध पत्र में ही आवेदक आवेदन देंगे, ठीक है। साथ ही लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र निबंधिक डाक से दिनांक 6/2/2019 से लेकर 21/9/2019 तक है, ठीक है, संध्या 5 तक। समाज कल्याण पदाधिकारी साहिबगंज के कार्यालय के पता पर प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं, अब वैसा कुछ रहा नहीं, अब चलिए फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फॉर्म कुछ इस तरह आपको यहाँ आप भरना है पढ़ के सही जगह पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और भी जॉब से रिलेटेड या करंट अफेयर्स टूरिस्ट प्लेस का भी इसी चैनल में अपलोड करता हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन वाला घंटा दबा के ऑल पे रखिएगा। चलिए थैंक यू।